कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख रुपए ठगने के मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का बेटा फिलहाल फरार है और जिसकी तलाश लगातार जारी है। एएसआई देवकी नंदन ने बताया कि गुलाबबाड़ी के रहने वाले इंजीनियर ऐश्वर्य जैन ने 27 नवम्बर 2018 को दादाबाड़ी थाने में रिपोर्ट दी थी कि सुरेंद्र शर्मा और उसके बेटे अक्षय शर्मा ने उसे बूंदी स्थित विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर 25 लाख रुपए ठगे हैं। आरोपी के बेटे ने बताया कि उसके पिता विद्युत विभाग में बड़े अफसर हैं और वो उसे नौकरी लगवा सकते हैं। ऐश्वर्य झांसे में आ गया और उसने अलग अलग बार में दोनों को सरकारी नौकरी के नाम पर 15 लाख रुपए दे दिए। शर्मा ने खुद को प्रोजेक्ट चेयरमैन बताया और उसे प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम देने का वायदा भी यहां पर किया। उसने ज्वाइनिंग लेटर देकर बूंदी में उसे 3 माह तक नौकरी पर काम करवाया और उसे झांसे में लेने के लिए तनख्वाह में 10,000 रुपए प्रति माह अपने पास से भी दिए। वहीं पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी के बाद पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने अपने घर पे बुला के और प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाने के लिए झांसा दिया कि भाई तेरे को प्रोजेक्ट इंजीनियर बना देंगे। और वो लड़का जो था अक्षय, वो बूंदी कहीं ठेकेदारी के पास काम करता था, उसने अपने आप को प्रोजेक्ट इंजीनियर बताया और ऐश्वर्य को नौकरी का झांसा दिया। उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया कि भाई तुम्हें इंजीनियर बना दिया है। 2-3 महीने तक अपनी जेब से पैसे भी दिए, तनख्वाह 10,000 रुपये महीना करीब, और उससे कभी 2 लाख 5 लाख 10 लाख इस तरह से करीब 25 लाख रुपए ले लिए। और वो अक्षय तो फरार हो गया।